भोपाल में लॉकडाउन के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा बैठक रखने पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि लॉकडाउन आम जनता के लिए है, भाजपा और आरएसएस के लिए नहीं है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि भोपाल में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, सरकार को चुनाव की चिंता छोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूं कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की, और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर दो दिन बैठक भोपाल में होगी, आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है, जो समझ में आ रहा है, इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।